हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हेमंत द ईडी गुरु में। और आज हम लेके आए हैं ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस की कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स जो ये पेपर में भी पूछी जा सकती हैं, जैसे कि वीपी की डेफिनेशन, एचपी की डेफिनेशन, फ्रंट व्यू क्या होता है, साइड व्यू क्या होता है, ठीक है, साइड व्यू कहाँ बनता है, ये सब कुछ, ठीक है, रेफरेंस लाइन क्या होती है। इस लेक्चर को आप ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, और अपने फ्रेंड्स को भी ये वीडियो सेंड कर देना ताकि वो भी कुछ सीख सके, ठीक है। तो पहले हमें कुछ डायग्राम बनाने जा रहा हूँ छोटा सा। ठीक है, ये हो गए चार क्वाड्रेंट। ये लाइन है एक्स वाई, ये है हमारा एचपी, ये भी एचपी है, ये वीपी है और ये वीपी है, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा इस लेक्चर को। तो सबसे पहले हम देखते हैं वीपी की डेफिनेशन क्या बनेगी। इट इज ए वर्टिकल प्लेन, ठीक है। तो यदि कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है और आप यहाँ से देख रहे हैं तो ये फ्रंट व्यू होगा, फ्रंट से आप देख रहे हैं क्योंकि जो चीज़ आपकी नाक के सामने होगी वो फ्रंट होता है, ठीक। तो आप ये भी कह सकते हैं कि जहाँ जिस प्लेन पर फ्रंट व्यू बनेगा उस प्लेन को हम क्या बोलेंगे, वर्टिकल प्लेन। तो इसका एक नाम और है, फ्रंट प्लेन। क्या नाम है इसका, फ्रंट प्लेन। तो मैं यहां पर इसकी डेफिनेशन लिखने जा रहा हूं, वीपी वर्टिकल प्लेन, इट इज ऑल्सो कॉल्ड फ्रंट प्लेन। तो इस डेफिनेशन को आप भी नोट कॉपी में कर लीजिएगा, ठीक है। इन दिस प्लेन फ्रंट व्यू को हम लिखते हैं एफ वी, फ्रंट व्यू इज प्रोजेक्टेड या फॉर्म्ड। तो केवल ये हो गई इसकी डेफिनेशन, समझ में आ रही है बात। और आप चाहे तो ये भी लिख सकते हैं कि वीपी इज एट राइट एंगल टू एचपी, वीपी एचपी से 90 डिग्री के कोण पर होता है। देख रहे हैं आप, ये और ये आपस में 90 डिग्री पे हैं, तो ये लाइन भी आप चाहे तो लिख सकते हैं। दूसरी टर्म्स क्या होगी, एचपी हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है। तो क्या होगी इसकी डेफिनेशन, इट इज एट 90 डिग्री, इसको हम बोलते हैं राइट एंगल, इट इज एट राइट एंगल या 90 डिग्री टू वीपी। तो इस प्लेन पर कौन सा व्यू बनेगा, टॉप व्यू। टॉप व्यू इज प्रोजेक्टेड इन दिस प्लेन। दिस किसके लिए आया है, एचपी के लिए। तो इस प्लेन पर कौन सा व्यू बनेगा, टॉप व्यू, ठीक है। तो इसका एक नाम और है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्लान, इट इज ऑल्सो कॉल्ड पी एल ए एन प्लान। सॉरी, प्लान तो नाम होता है उसका, टॉप व्यू का, ठीक है। एचपी को हम एचपी बोलेंगे, ये प्लान जो होता है वो किसका नाम होता है, टॉप व्यू का, ठीक है। अब अगली टर्म्स है रेफरेंस लाइन। तो इस
रेफरेंस लाइन को हम समझेंगे इस डायग्राम की हेल्प से। तो देखिए वीपी एचपी आपस में कहीं मिल रहे हैं, कहाँ पे, यहाँ पे। तो जब ये दोनों प्लेन आपस में मिलेंगे तो वहाँ पर एक लाइन बनेगी। क्या बनेगी? लाइन। तो उसी लाइन को हम बोलेंगे रेफरेंस लाइन या फिर इंटरसेक्शन लाइन। इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है? एक दूसरे को काटना। जिस लाइन पर वीपी और एचपी आपस में एक दूसरे को काटे उसे हम बोलेंगे इंटरसेक्शन लाइन। ठीक है, तो दोनों में से आप कोई भी एक डेफिनेशन लिख सकते हैं। तो हम क्या लिख रहे हैं? इट इज ए लाइन एट विच बोथ वीपी एंड एचपी आर मीट। तो इट इज ए लाइन एट विच बोथ वीपी एंड एचपी आर मीट। यह एक ऐसी लाइन है जहां पर वीपी और एचपी आपस में मिलते हैं। तो दूसरी क्या होगी? इट इज ए लाइन एट विच बोथ प्लेन्स इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट मतलब काटना। बोथ प्लेन्स इंटरसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को काटते हैं, तो उसे बोलते हैं रेफरेंस लाइन। तो रेफरेंस लाइन का एक नाम और है इंटरसेक्शन लाइन, नोट कर लीजिएगा इंटरसेक्शन लाइन। ठीक है, एक होता है ऑक्सिलरी प्लेन, ए यू एक्स आई एल आई ए आर वाई, ऑक्सिलरी प्लेन, इसे हम बोलते हैं एपी। तो ये जो आप मान लीजिए आप सामने आप एक किसी डायरेक्शन में खड़े हैं, जो दीवार आपकी नाक के सामने होगी उसे हम बोलेंगे वीपी, जो ठोड़ी के नीचे होगी उसे बोलेंगे हम एचपी, और जो दीवार आपके कान के बराबर में होगी, किसके बराबर में? कान के, उसे हम बोलेंगे ऑक्सिलरी प्लेन। ठीक है, तो ये जो प्लेन होगा किसी भी एंगल पर हो सकता है, 30, 60, 80, 90, 110, लेकिन होगा वो आपके कान के बराबर में, तो उसे हम बोलेंगे ऑक्सिलरी प्लेन। तो इट इज ए प्लेन इंक्लाइंड एट एनी एंगल टू वीपी एंड एचपी। ये एक ऐसा प्लेन है जो वीपी और एचपी से कुछ एंगल पर झुका होता है, उसे हम क्या बोलेंगे? ऑक्सिलरी प्लेन। इसी का एक वर्ड है प्रोफाइल प्लेन, पीपी, प्रोफाइल प्लेन। तो जो तीसरा प्लेन होगा और जो एचपी और वीपी से 90 डिग्री का एंगल बनाएगा उसे बोलेंगे हम प्रोफाइल प्लेन। समझ में आ रही है बात? तो ऑक्सिलरी प्लेन तो किसी भी एंगल पे हो सकता है, 90 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, लेकिन जो प्रोफाइल प्लेन होगा वो केवल 90 डिग्री पे ही होगा, जैसे कि साइड की दीवारें। तो ये एग्जांपल किसका है? प्रोफाइल प्लेन के। तो आप जरा ध्यान से देखेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो साइड की दीवार है वीपी और एचपी दोनों से 90 डिग्री का एंगल बनाती है। ठीक है, इट इज ए ऑक्सिलरी प्लेन विच मेक्स 90 डिग्री एंगल टू VP एंड HP, जो HP और VP दोनों से 90 डिग्री के एंगल बनाए उसे क्या बोलेंगे? प्रोफाइल प्लेन। ठीक है, अब अगला क्या बचता है? साइड व्यू, या इसको हम बोलते हैं साइड एलिवेशन, दो नाम है इसके, जो भी होगा साइड वर्ड जरूर आएगा। द व्यू या द प्रोजेक्शन
formed on PP. PP means profile plane, is called side view. तो जो projection हमारा PP पर बनेगा उसे क्या बोलेंगे? Side view या side elevation. दूसरा है, अगला है front view. The projection formed on VP is called क्या बोलेंगे? Front view. ठीक है. और लास्ट में क्या बचता है? टॉप व्यू. क्या होगी इसकी डेफिनेशन? मैं लिख नहीं रहा हूं, बेवल समझा रहा हूं, बोल रहा हूं आपको. द प्रोजेक्शन फॉर्म्ड ऑन एचपी इज कॉल्ड टॉप व्यू. ठीक है. तो आपको ये सारी आइटम समझ में आ गई होंगी. अगर आपको ये डायग्राम याद है तो आप इजीली इस चीज को अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं. अगर आपको ये डायग्राम याद होगा तो कोई भी आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी. रटना है तो केवल डायग्राम को रटिए, थ्योरी अपने आप बनती चली जाएगी. ठीक है. तो अगले लेक्चर में हम जो टॉपिक लेके आएंगे वो होगा फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल में डिफरेंस. तो ये भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, पेपर में पूछ सकता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन फर्स्ट एंगल एंड थर्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन. तो अगले लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात होगी. तब तक के लिए बाय.